हिडन एप्लीकेशन इन प्ले स्टोर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जो प्ले स्टोर पे छुपे हुए हैं, जो आपको ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाते, बट ये एप्लीकेशन अगर आप लोगों को मिल जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बस वीडियो शुरू करने से पहले बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी लिस्ट की पहली एप्लीकेशन की तरफ। तो हमारी लिस्ट का नंबर वन एप्लीकेशन है JTouch। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जिन लोगों के फ़ोन का डिस्प्ले टच ढंग से काम नहीं करता, या फिर जिनका बैक बटन, होम बटन या रीसेंट ऐप्स का जो बटन होता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, या उनका जो स्क्रीन का टच होता है बहुत ही लेट रिस्पॉन्स करता है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है खासकर उन लोगों के लिए। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसे ही इसको इसकी सारी परमिशन दे दोगे तो अलाउ होने के बाद कुछ एक सर्कल जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ किसी ऐप को, अब मैं यहाँ पे बिना कोई बैक बटन वगैरह या बिना कोई होम बटन के दबाए मैं सिर्फ एक छोटा सा सर्कल दबाऊँगा और मैं अपनी रीसेंट ऐप्स की स्क्रीन पर आ जाऊँगा। तो अभी मैंने YouTube ओपन कर रखा है और अभी मैंने Play Store भी ओपन करा था, तो अब मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो मैं अपनी रीसेंट ऐप्स की स्क्रीन पे आ गया। अब मैं यहाँ से Play Store खोलना चाहूँ तो Play Store खोल सकता हूँ, YouTube खोलना चाहूँ मैं YouTube खोल सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे फीचर्स दे देता है। तो यहाँ पे हमें और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन लॉक हो जाती है, स्वाइप डाउन करते हैं तो हमारी डिस्प्ले के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि सिंगल टैप पे आप इसमें क्या करना चाहोगे, डबल टैप में आप क्या करना चाहोगे, स्वाइप राइट में क्या करना चाहोगे, स्वाइप अप में क्या करना चाहोगे। तो यहाँ पे JTouch की तरफ से आपको सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कम्फर्टेबल लगे। तो हमारी लिस्ट का सेकंड एप्लीकेशन है म्यूज़िक लवर्स के लिए, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाना सुनना पसंद करते हैं, ये एप्लीकेशन खासकर उनके लिए है। इस एप्लीकेशन का नाम है Shazzan Light। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं उनके साथ कई बार क्या होता है कि वो कोई अननोन म्यूज़िक चला देते हैं और वो उन्हें पसंद आ जाता है, बट वो गलती से उसे हटा देते हैं तो उनको उसका नाम नहीं पता चल पाता या फिर उस सॉन्ग का नाम हमें दिया ही नहीं जाता। तो अब इस एप्लीकेशन के थ्रू हम उस सॉन्ग का नाम जान सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना ऐप ओपन करते हैं तो आपको इसका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इसे ट्राई करके दिखाता हूँ, मैं बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चलाऊँगा और इसे मैं यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज करवा के दिखाऊँगा कि इसने सही बताया नहीं। तो चलिए मैं एक यहाँ पे अपना कोई भी गाना चूज़ कर लेता हूँ, तो ये तो रिमिक्स है तो मैंने यहाँ पे अपना मलंग गाना चूज़ कर लिया है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, अब इसे मैं बैकग्राउंड में चलाते हुए अपना Shazzan ऐप ओपन करूँगा और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलूँगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको परमिशन दे देता हूँ और अब ये मुझे 3 से 4 सेकंड के बीच में उस गाने की इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने मुझे उस गाने का नाम बता दिया है, मलंग, द टाइटल फ्रॉम मलंग अनरिलीज्ड मैडनेस। तो आप देख सकते हैं मैंने गाना भी कौन सा चलाया था और वही भी अभी भी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है खासकर उन म्यूज़िक लवर्स के लिए जो हर टाइम म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए हम अपनी लिस्ट का थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं जिसका नाम है बार लॉन्चर। तो इसका नाम जैसे बार लॉन्चर है तो ये एक लॉन्चर की तरह बिल्कुल काम नहीं करता, ये थोड़ा अलग किस्म का एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए बना है जिनके फ़ोन में ढेरों ऐप्स रखे रहते हैं, वो चाहे यूज़ करे या ना करे, और जो उनके रेगुलर यूज़ करने वाले ऐप होते हैं और वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते, तो ये एप्लीकेशन उन लोगों की बहुत ज़्यादा यूज़फुल बन सकता है क्योंकि इससे हम अपने मेन एप्लीकेशंस को ढूंढ के अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जैसे हम इसे ऑन कर लेते हैं तो हमें ऊपर डिस्प्ले कि जब हम स्वाइप डाउन करते हैं
तो वहाँ पे हमें एक बार दिख जाता है जहाँ पे हमने जो ऐड करे हुए होते हैं आइकन्स वो हमें शो हो जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अटैच कर रखे हैं। अब मैं यहाँ से YouTube ओपन करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट YouTube ओपन कर सकता हूँ, YT स्टूडियो करना चाहूँ, MI ब्राउज़र करना चाहूँ या फिर और कोई ऐप जो मैंने ऐड कर रखा है उसे ओपन करना चाहूँ, तो ईजिली मैं अपने ऐप्स को बिना ढूंढे यहाँ पे मैं उन्हें ओपन कर सकता हूँ। और आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐप्स को हटा सकते हैं, जैसे आप इसे स्वाइप करेंगे तो वह हट जाएगा। यहाँ पे एक ऐड का आइकन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस ऐड कर दिया। अब मैं इसे दोबारा हटाना चाहूँ तो मैंने उसे स्वाइप करके हटा दिया, और कोई ऐड करना चाहूँ तो प्लस के आइकन पे जाकर मैंने कैमरा ऐड कर लिया। तो ये इसी तरीके से कुछ काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लिस्ट के लास्ट एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है वाया ब्राउज़र। तो ये जो ब्राउज़र है बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो, यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हो, उनसे काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस देता है, खासकर रीलोडिंग के टाइम पे जो और ब्राउज़र आपको नहीं दे पाता। तो मैंने यहाँ पे एक YouTube की लिंक ओपन करी, तो ये देखिए इसने कितनी जल्दी मुझे YouTube की लिंक ओपन करके दे दी। अब मैं यहाँ से बिना बफरिंग के कोई भी वीडियो देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली मुझे उस वीडियो की तरफ लेके जा रहा है, उस वीडियो को चला रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका नेट स्लो रहता है, जिनका जो नेट है उनके मतलब ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं कर पाता। और जो इसमें हमें ब्राउज़र है ये हमें ओपेरा मिनी, अगर आप लोगों ने ओपेरा मिनी यूज़ करा है तो इसका इंटरफेस भी कुछ इस टाइप का ही है। अगर यहाँ से आप अपना डेस्कटॉप मोड अनेबल करना चाहते हो तो आप वहाँ पे 3 डॉट पे जाके यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड, बुकमार्क्स, नाइट मोड, हिस्ट्री, डाउनलोड, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डे मोड ऑन कर लिया है और यहाँ पे मुझे वाइट कलर का इंटरफेस मिल गया। तो ये चार थे हमारी लिस्ट के 4 हिडन एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे आपको जल्दी से नहीं मिलते, बट ये एप्लीकेशन अगर आप लोगों को पता हो तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। अगर इन फ्यूचर में कोई वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई।